हेलो स्टूडेंट्स, नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीख ही चुके हैं, कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने ये लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये जो लिखा हुआ है 13 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हमको नंबर्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। तो पहले आपको ये समझना होगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और कितना होता है। फ्रीजिंग पॉइंट से हमारा मतलब है कि पानी का जमना, वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, वो फ्रीजिंग कहलाता है। जब हम वाटर को ठंडा करते हैं तो उसका टेम्परेचर लो होता चला जाता है, कम होता चला जाता है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब वो जमना शुरू हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर वाटर आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मींस जमना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और वाटर के लिए ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जमना शुरू हो जाता है, वाटर आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। ये लिखा हुआ है 13 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, मींस फ्रीजिंग पॉइंट से 13 डिग्री सेल्सियस कम नीचे, मींस 13 डिग्री सेल्सियस छोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं -13 डिग्री सेल्सियस, 0 से 13 नीचे, -30 डिग्री सेल्सियस। ये दूसरा हमारे पास है अर्निंग अ सैलरी ऑफ 30,000। अर्निंग मींस हमको मिल रहा है, हम गेट कर रहे हैं, हमारे पास आ रहा है। इट मींस ये +30,000। ये थर्ड हमारे पास लिखा हुआ है गेन ऑफ ₹800। गेन मींस हमारे पास आ रहा है, हमारा लॉस होता है तो हमसे चला जाता है, और जब गेन होता है तो हमारे पास आ जाता है। तो इसको भी हम लिखेंगे +800। तो हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स की हेल्प से लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट द अपोजिट ऑफ, ये स्टेटमेंट दिए हैं, सपोज ये स्टेटमेंट ले रहा हूं मैं, और इन स्टेटमेंट का अपोजिट स्टेटमेंट आपको चाहिए, ठीक है। तो पहले आप अपोजिट स्टेटमेंट देखिए क्या होगा। ये लिखा हुआ है 13 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन दूसरा है। ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा, इस क्वेश्चन को अब हम दूसरे क्वेश्चन में ले रहे हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी मैंने ये लिया है कि ये जो है हमारे पास ये स्टेटमेंट, इनके अपोजिट स्टेटमेंट हमें लिखने हैं और उनको भी हमें नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसका अपोजिट क्या कह सकते हैं, ये 13 डिग्री सेल्सियस बिलो है तो हम कह सकते हैं 13 डिग्री सेल्सियस अबव फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमारा, इसको लिख सकते हैं हम 13 डिग्री सेल्सियस अबव फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसी स्टेटमेंट को हमको मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना हो, नंबर्स की फॉर्म में लिखना हो, तब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, क्योंकि ये 13 डिग्री सेल्सियस अबव है, इट मींस 0 से बड़ा है, तो इसको लिखेंगे हम प्लस
13 डिग्री सेल्सियस। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास अर्निंग अ सैलरी ऑफ रुपीज 30,000। तो यहां अर्निंग हो रही है, अर्निंग का अपोजिट हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर। क्या कह सकते हैं? एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 30,000। अब ये 30,000 हमारे पास से एक्सपेंडिचर हो रहा है, हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसको, खर्च कर रहे हैं, तो ये हमारे पास से जा रहा है, हमारे पास से जा रहा है, इट मींस माइनस हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस 30,000। ये हमारे पास तीसरा स्टेटमेंट है गेन ऑफ रुपीज 800। तो यहां गेन को हम कह सकते हैं लॉस, लॉस ऑफ रुपीज 800। और जब लॉस हो रहा है इट मींस ये भी हमसे जा रहा है, तो इसको भी हम लिखेंगे माइनस 800 रुपीज 800। तो इस तरीके से किसी स्टेटमेंट को हम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी स्टेटमेंट का अपोजिट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अपोजिट स्टेटमेंट को फिर नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी बुक में भी होंगे, तो आप इससे और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है, डिस्कवर द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स। तो ये नंबर हमारे पास लिखा हुआ है +7 +10 +13। ये एक पैटर्न है, ये सीरीज भी कह सकते, इसको हम एक सीरीज भी बोल सकते हैं। तो ये एक सीरीज हमारे पास चल रही है, तो इस सीरीज में हमको देखना है कि आगे के जो नेक्स्ट 5 नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे। तो पहले हमको सीरीज पता करनी पड़ेगी कि ये सीरीज किस तरीके से चल रही है। तो 7 और अगला नंबर है हमारे पास 10। तो 7 और 10 मींस 7 में 3 ऐड करके 10 आ रहा है हमारे पास, 10 में फिर अगला 3 ऐड करके 13 आ रहा है। तो ये सीरीज इस तरीके से चलती चली जाएगी, तो आगे का जो नंबर आएगा वो फिर 3 ऐड करके आएगा, तो क्या आएगा इसको हम लिख सकते हैं +16, अगला नंबर +19 +22 +25 और आगे तक आप चाहे कितने भी नंबर ले सकते हैं। इस तरीके से आप ऐड करते चले जाएंगे, नंबर्स आते चले जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, ये नंबर लिखा हुआ है हमारे पास -3 -7 -4। अब इसको समझिए आप, -3 को अगर आप देखें थोड़ा सा नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, ये 0 1 2 3, ये -3 यहां पर होगा और जो -7 होगा 4 5 6 7 यहां पर होगा। तो -3 और -7 में जो डिफरेंस है, ये -3 यहां पर है, ये है -3 और ये है -7, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 1 2 3 4। आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो -3 और -7 का जो डिफरेंस है वो 4 का है, कितना है 4। अगला नंबर देखिए आप, -7 और -11। तो -7 और -11 का भी जो डिफरेंस है वो कितने का है, 8 9 10 11। तो -7 और -11 का जो डिफरेंस है वो भी हमारा 4 का है, 1 2 3 4, ये -7 और ये -11। तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो 4 का है।
तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये जो सीरीज है इसमें सारे नंबर्स में डिफरेंस 4-4 का चल रहा है। तो अगला जो नंबर आएगा ये छोटा होता चला जा रहा है, नंबर हम जीरो से इधर चल रहे हैं, नंबर छोटा होता चला जा रहा है। तो अगला जो हमारा नंबर होगा वो आएगा 4 का डिफरेंस 11 के बाद आएगा, तो क्या आएगा 15 और माइनस 15। नेक्स्ट जो नंबर आएगा फिर 4 के डिफरेंस से आएगा 19 और -19। नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास आएगा वो फिर 4 के डिफरेंस से आएगा 23 -23। इस तरीके से हम नंबर्स लिख सकते हैं। तो अगर आपसे इस तरीके के पैटर्न वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप पहले सीरीज का पता लगाइए कि सीरीज किस तरीके से चल रही है, उसके बाद नंबर्स को आप इजीली लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमने आपके सामने और लिया है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर आप पहले ही सीख चुके हैं, अब तो आपको ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उससे बड़ा नंबर कौन सा है, उससे बड़ा नंबर कौन सा है, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट नंबर हमको पता करने हैं। तो आपने नंबर लाइन अभी देखी, नंबर लाइन से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जितना हम इधर चलते चले जाएंगे लेफ्ट साइड में नंबर हमारा उतना छोटा होता जाता है। जितना हम जीरो से लेफ्ट साइड में चलते चले जाएंगे नंबर लाइन पर नंबर हमारा छोटा होता चला जाता है, और जितना हम आगे राइट साइड में चलते चले जाते हैं नंबर बड़ा होता चला। तो आप देख रहे हैं इसमें 93 -93। जब हम इस -93 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो हमको सबसे इधर जाना पड़ेगा, लास्ट में जाकर कहीं -93 आएगा। तो ये नंबर -93 सबसे छोटा नंबर हुआ, तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ -93। इसके बाद अगला जो नंबर आ रहा है -47 आ रहा है, तो -47 -93 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे इधर -93 आएगा, उसके बाद -47 आएगा, और उसके बाद जो आएगा वो आएगा -21, उसके बाद जो आएगा वो -17, और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा -7। तो ये हमारे पास ऑर्डर है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जब इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो सबसे लास्ट में इधर लेफ्ट साइड में -93 आएगा, और इधर सबसे इधर राइट साइड में -7 आएगा। तो -7 सबसे बड़ा नंबर हुआ और -93 सबसे छोटा नंबर हुआ। इससे एक बात और सीखने की है कि नंबर केवल इसको देखो, नंबर को, नंबर जितना बड़ा होता है, नंबर जितना बड़ा होता है अगर उसके आगे माइनस लगा दिया जाए तो वो उतना ही छोटा हो जाता है। ये नंबर 93 सबसे बड़ा है, लेकिन चूंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए यही सबसे छोटा है। तो आप देखेंगे कि जो नंबर बड़ा होता है अगर उसके आगे हम माइनस साइन यूज करते हैं तो वो सबसे छोटा हो जाता है। तो ये चूंकि सबसे बड़ा नंबर था इसके आगे माइनस साइन यूज किया जाता है तो ये सबसे छोटा हो गया। ये नंबर सबसे छोटा था इसके आगे माइनस साइन यूज किया जा रहा है तो ये सबसे बड़ा हो गया। इसी ऑर्डर में सारे अरेंज किए गए हैं, आप बीच में साइन लगा सकते हैं। साइन हम बता चुके हैं आपको, ये छोटा नंबर है तो ये जो इसका मुंह होता है वो बड़े की तरफ खुलता है। अब आप पढ़ सकते हैं -93 इज स्मॉलर देन -47, -47 इज स्मॉलर देन -21, -21 इज स्मॉलर देन -17, -17 इज स्मॉलर देन -7। तो ये हमारा
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पहले अरेंज किया जाता है और बढ़ते क्रम में हम अरेंज करते चले जाते हैं, तो वही हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है।